11 जुलाई को लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्यसमिति की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई उसमें चुनाव में अंदरूनी कलह खुल करके सामने आई, जहां एक तरफ सीएम योगी ने लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा अति आत्मविश्वास पर फोड़ा। आपको बता दें 14 जुलाई को लखनऊ में यूपी बीजेपी की कार्यसमिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई, इसमें तमाम कार्यकर्ता भी इकट्ठा हुए थे, लेकिन इस बैठक में कुछ ऐसे बयान सामने आए जिसके बाद जो अंदरूनी कलह है और चुनाव के नतीजों के बाद जो अंदरूनी कलह थी वो खुल करके यहां पर प्रदर्शित हुई। मुख्यमंत्री ने इस दरमियान जब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा एक शब्द के साथ थपोड़ने की कोशिश की, उसमें उन्होंने अति आत्मविश्वास शब्द पर जोर दिया। सुन लेते हैं। ऐसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। ऐसा वो शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं। इस स्टेटमेंट में सीएम योगी ने एक शब्द का इस्तेमाल बार बार किया जिसमें उन्होंने अति आत्मविश्वास शब्द का प्रयोग किया और ये कहा कि हम तो जीत ही रहे हैं। ये अति आत्मविश्वास इससे साफ तौर पर झलकता है और फिर जब नतीजों में कुछ और आपको देखने को मिलता है तो फिर इसको भी समझना होगा कि जिम्मेदार कौन। इसके अलावा भी कई बयानबाजियां हैं जो ये सीधे तौर पर स्पष्टता के साथ बताती नजर आती हैं कि यूपी में सब कुछ ठीक तो नहीं है, सियासी गतिरोध बहुत ज्यादा और वो अंदरूनी है, आपस में गतिरोध है। अब इस खींचतान का नतीजा क्या निकलेगा, अभी उपचुनाव भी नजदीक है, उस पर आपको काम करना चाहिए, लेकिन ये खींचतान सीधे तौर पर अच्छे संकेत देती नजर नहीं आ रही। मेरे साथ पवन सेंगर जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी, उनका जिक्र करते हुए रुख करते हुए। पवन, यहां पर हमने डिप्टी सीएम को भी सुना, हमने सीएम को भी सुना और साथ में कई अन्य महत्वपूर्ण चेहरों को भी सुना। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो केंद्र में है और जिन पर लगातार कोशिश की जा रही है तीखे हमले करने की, या जो बयान के पीछे बिटवीन द लाइंस जो हिडन सेंटेंस है वो मुख्यमंत्री के लिए है, लेकिन इस पर मैं आपको समझना चाहूंगी कि आपकी समझ इसे क्या कहती है कि यूपी में क्या जल्द ही कुछ जबरदस्त उलटफेर बदलाव देखने को मिल सकता है। देखिए प्रीति, आपने तमाम सारे पहलुओं को देखा और बताने का काम किया कि किस तरीके से यूपी की राजनीति चल रही है, लेकिन खास तौर से इस समय जो घटनाक्रम घटित हो रहा है उस पर जब ध्यान देंगी तो आपको समझ में आएगा कि लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें कुछ नेता इसको अवसर के रूप में देख रहे हैं। और खासतौर से अगर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जब आप बात करेंगी तो आपको लगेगा कि वो एक परसेप्शन बनाने का काम कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद से ही कि जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के उसके नेता केशव प्रसाद मौर्य हैं और केशव प्रसाद मौर्य इस तलाश में हैं कि अगर वो सत्ता में वापसी करते हैं तो सम्मान पीडब्ल्यूडी के साथ उनको दिया जाए ताकि कार्यकर्ताओं का जो मनोबल टूटा है उसको वो एक बार फिर से सही कर सके और एक बड़े नेता के तौर पे जो विपक्ष ने पीडीए के नाम पे वोट लेने का काम किया उसका वो काट खोज सके। अगर उनको पीडब्ल्यूडी और सत्ता में सम्मान वापसी नहीं की जाती है तो वो संगठन की तरफ जाना चाहेंगे और संगठन में पद लेकर के उत्तर प्रदेश में जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ताओं के नेता के तौर पर काम करना चाहते हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ इस बात को जानते हैं कि आने वाले समय में 10 उप विधानसभा के चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं, उसमें जीत हार आगे का समीकरण तय करेगा उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की, लिहाजा वो इस काम में लगे हुए हैं। 16 प्रभारी मंत्रियों को उन्होंने बुलाया है, बैठक कर रहे हैं, किस तरीके से प्रत्याशी दिए जाने हैं, कैसे वहां पे जातिगत समीकरण है, लोकसभा में क्या गलतियां हुई थी, किस तरीके से प्रत्याशियों का चयन किया गया था, वो गलती दोबारा इस चुनाव में न हो, ये तमाम ऐसी कवायद है। बड़े उलटफेर की जो बातें कही जा रही हैं वो बिल्कुल संभव नहीं दिखाई देता
और आने वाले कुछ सालों में भी ऐसा आपको नहीं दिखेगा कि उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली और काम करने का जो तरीका है वो इस बात के लिए तमाम, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या तमाम बड़े नेता हैं, वो कहते हुए नजर आए कि योगी आदित्यनाथ की जो कानून व्यवस्था के नाम पे काम करने की जो तरीका है, 37 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने का काम किया, इससे पहले कोई भी पार्टी ये जो सफलता है वो हासिल नहीं की थी। लिहाजा केशव प्रसाद मौर्य का जो ये कवायद है कि जो समिति की बैठक है उसमें सत्ता को ऊपर बताना, केंद्र में जाकर के जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करना, ये कवायद केवल इतनी है। मैं बीच में रोक रही हूँ, बहुत माफी के साथ। मैं आपको पवन एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर दो तीन चीजें हैं जिस पर मैं चाहूंगी कि आप जरा प्रकाश डालें। मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अति आत्मविश्वास के चलते ये नतीजे देखने को मिले। अति आत्मविश्वास में कौन थे, वो किन की ओर इंगित कर रहे हैं? क्योंकि जो कैंडिडेट्स का चयन हुआ था, मुझे ये खबर मिली और ये चर्चा का विषय भी है कि जो कैंडिडेट्स का चयन किया गया था उसमें मुख्यमंत्री की कुछ सीटों पर सहमति नहीं थी। मैं लौटूंगी आपके पास में, जरा पहले एक अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि यूपी में की हलचल को लेकर के अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा, कुर्सी की लड़ाई में ठंडे बस्ते में शासन, अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है बीजेपी। तो देखिए, जाहिर है उनको भी मौका मिल गया है और वो इसे भुनाने की बढ़ती कोशिश भी यहां पर करते नजर आ रहे हैं। यूपी में बीजेपी की हलचल पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी आई है, जो कह रहे हैं कि कुर्सी की लड़ाई में शासन ठंडे बस्ते में, अंदरूनी झगड़ों के दलदल में बीजेपी धंसती जा रही है। अखिलेश यादव भी चुटकी लेते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। मैं एक बार फिर से पवन का रुख कर रही हूं। पवन, अति आत्मविश्वास मुख्यमंत्री कहते हैं, जाहिर है नतीजों के साथ में उन्होंने इस बात को रखा, लेकिन फिर इसके बाद उसी संबोधन में इन्होंने, मैं बैकफुट पर जाने वाला नहीं और बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं, यानी उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ कहा कि बैकफुट पर नहीं जा रहा हूं। वो हार इतनी जल्दी मानते भी नहीं, और लगातार अगले ही दिन से वो फिर से सक्रिय हो गए और अलग तरीके से अब उनकी कार्यशैली में तमाम तब्दीलियां भी देखी जा रही हैं। यहां पर अब जब केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र करते हैं, उन्होंने जब बैठक हुई वहां पर भी जिक्र किया कि संगठन सरकार से बड़ा है, और यहां जेपी नड्डा के साथ जब दिल्ली में एक घंटे तक उनकी बैठक हुई उसके बाद भी बाहर निकलकर मीडिया से मुखातिब हुए तो तब उन्होंने इसी बात को दोहराया। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को जब वो संदेश दे रहे थे कि सात कालिदास मार्ग के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, जो आपका दर्द है वही मेरा दर्द है, ये किस दर्द का जिक्र कर रहे हैं? क्या वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ से खुश नहीं है या उनकी सुनी नहीं जाती, उपेक्षा होती है? हाँ, देखिए प्रीति, पहले सवाल से जवाब शुरू करते हैं। जो आपने पहला सवाल पूछा, आत्मविश्वास की बात होती है, लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है उसमें कई ऐसे प्रत्याशी हैं, मसलन अयोध्या से लल्लू सिंह को टिकट दिया गया, उसके बाद बनारस से करीबी लोकसभा सीट है जहां से महेंद्र नाथ पांडे को चुनावी टिकट दिया गया। इस तरीके से तकरीबन 15 से 20 ऐसी सीटें हैं जो खुद वो मान चुके थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन संगठन और जो यहां के लोग थे जिन्होंने प्रत्याशियों का चयन किया, उन लोगों का मानना था कि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की जो तमाम सारी पॉलिसीज हैं उसको लेकर के किसी भी प्रत्याशी को हम टिकट देंगे, वो चुनाव जीत जाएगा चाहे उसके खिलाफ माहौल कितना ही बुरा क्यों ना हो। लिहाजा उस आत्मविश्वास के कारण भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव हारने का काम किया। दूसरी तरफ एक कारण निकल करके आया कि जो कार्यकर्ता थे, पन्ना प्रमुख थे, जो बूथ पे काम करने वाले जो कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं की कोई जो सरकार में बैठे अधिकारी हैं उन्होंने सुनने का काम नहीं किया, और उस लिहाज से केशव प्रसाद मौर्य लगातार ये परसेप्शन बनाते नजर आए कि कार्यकर्ताओं का नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई है तो वो केशव प्रसाद मौर्य है, और केशव प्रसाद मौर्य को संगठन में या सत्ता में बड़ा पद मिलता है, बड़े विभाग मिलते हैं, तो उन कार्यकर्ताओं की नाराजगी वो दूर कर सकते हैं, और इसलिए उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने जो सात, जो कालिदास उनका आवास है, सरकारी आवास है, वो दरवाजा उनके लिए कार्यकर्ताओं के लिए खुला हुआ है। तो ये केशव प्रसाद मौर्य लगातार ये परसेप्शन बनाने में लगे हुए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में संगठन के नेता हैं, कार्यकर्ताओं के नेता हैं, और कार्यकर्ताओं को बुलंदी तक ले जाने का काम केवल और केवल केशव प्रसाद मौर्य कर सकते हैं, जिसका वो जिक्र, चाहे वो कार्य समिति की बैठक की बात कर लीजिए या ट्वीट के माध्यम से जो जानकारी देने की बात है उसकी बात कर लीजिए, या केंद्र में जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करना,
तमाम नेताओं से मिलना, संगठन के लोगों से मिलना, ये बताता है कि केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी लाइन खींच ली है और वो चाहते हैं कि सत्ता में अगर उनको वो रहते हैं तो उनके पास पीडब्ल्यूडी जैसे अपनी शर्तों पर वो सत्ता में बने रहेंगे, नहीं तो उन्होंने ये तो कही दिया है कि संगठन सरकार से बड़ा है। यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी कहा आप उनको पाते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिका उनकी भी है, लेकिन उनसे बड़ा कद इस वक्त बाकी तमाम नेताओं का दिखाई दे रहा है क्योंकि प्रतिक्रियाएं सबकी आ रही है। हालांकि इस बैठक में उन्होंने भी, जिस बैठक का हम जिक्र कर रहे हैं कार्य समिति का, उसमें उन्होंने भी कार्यकर्ता को सबसे बढ़कर कहा था। लेकिन इसके अलावा एक सवाल मैं और पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इसी बैठक के दरमियान नरेटिव पर स्टेटमेंट देते हुए कहा कि आप जब के विपक्ष ने एक खास नरेटिव सेट करने की कोशिश की और जनता ने उसे गंभीरता से लिया, तो आप उसका जवाब क्यों नहीं दे पाए। आप व्हाट्सएप पर सुबह शाम गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग कर सकते हैं, लेकिन नरेटिव का अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे विपक्ष की, तो ये आपकी कमी है। मुख्यमंत्री की तरफ से ये जवाब भी दिया गया था, इस पर भी मैं चाहूंगी कि आप अपनी राय रखें, अपनी बातें रखें। हाँ बिल्कुल प्रीति, क्योंकि नैरेटिव सेट हुआ था लोकसभा चुनाव में, संविधान को लेकर के नैरेटिव सेट हुआ था, ओबीसी को लेकर के नैरेटिव सेट हुआ था, और उसका जो है फायदा विपक्ष ने लेने का काम किया। जिस अयोध्या को लेकर के पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, उस अयोध्या सीट के बारे में जब आप जाएंगी तो आपको समझ में आएगा कि वहां से जो समाजवादी पार्टी ने है पासी समाज से प्रत्याशी को खड़ा करने का काम किया, जिसका वोट तकरीबन 3.5 से 4 लाख है वहां से। उसके अलावा वहां से उस लल्लू प्रसाद सिंह को टिकट दिया गया जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम बहुमत में तो आ रहे हैं लेकिन 400 से सीटें इसलिए ज्यादा चाहिए ताकि हम संविधान में बदलाव कर सके। इसका नैरेटिव सेट हुआ कि जिस संविधान बदलाव को लेकर के राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार प्रचार कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, उसका समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखाई दे रहे थे, लिहाजा ये तमाम सारी बातें चुनाव में फैक्टर के तौर पर, एक्स फैक्टर के तौर पर काम की और भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से उस हार का सामना किया जिसके बारे में उसने सोचा नहीं था। उन तमाम बातों का जिक्र योगी आदित्यनाथ कर रहे थे कि जहां पे टिकट चयन को लेकर के तमाम सारी खामियां रही, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने जिन जिन बातों का जिक्र किया उसका फायदा इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लेने का काम किया, जबकि इससे पहले यह होता था कि भारतीय जनता पार्टी पिच तैयार करती थी और उस पे इंडिया गठबंधन या जो विपक्ष के नेता थे वो खेलने आते थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उनको बोल्ड करने का काम करती थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के पिच पे इंडिया गठबंधन ने खेलने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो आउट होते चले गए, उसी का जिक्र योगी आदित्यनाथ जो समिति की बैठक थी उसमें कर रहे थे। और वहीं पे केशव प्रसाद मौर्य दूसरी लाइन लेकर के चल रहे थे, वो जानते थे कि योगी आदित्यनाथ के सामने अगर टिकना है तो कार्यकर्ताओं को एक तरीके से समर्थन उनको मिलना चाहिए और ये लगना चाहिए कि केशव प्रसाद मौर्य कार्यकर्ताओं के लिए बड़े नेता है, और उसी लाइन पे केशव प्रसाद मौर्य लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। एक संक्षेप में जवाब और चाहूंगी मैं आपसे पवन, यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी क्या प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे, क्योंकि जल्द ही केंद्र में भी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनको चयन होना है, कोई नया चेहरा आ सकता है, इससे पहले क्या यूपी में प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, इस ओर कुछ अपडेट, कोई हिंट मिलता हुआ? देखिए केंद्र में बदलाव के बाद ही ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी विभागों का बंटवारा होना है और ये माना जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी जो इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सत्ता में आएंगे यानी मंत्री बनेंगे और उनको एक तरीके से बड़ा पद बड़ा विभाग उनको दिया जा सकता है, और यही कवायद केशव प्रसाद मौर्य भूपेंद्र चौधरी और तमाम सारे जो नेता है आप पिछले दिनों सोशल मीडिया पर देखने के मिला होगा कि किसको पीडब्ल्यूडी चाहिए, दयाशंकर सिंह से लेकर के जेपीएस राठौर, स्वतंत्र देव सिंह, आम सारे नेता इस जुगत में लगे थे कि कैसे उनका विभाग बढ़ा के जाए। तो ये मान करके चलिए कि जेपी नड्डा जैसे ही केंद्र में बदलाव होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और आता है, तो ये मान करके चलिए कि उत्तर प्रदेश में उस समय ही ये बदलाव देखा जाएगा, उससे पहले उत्तर प्रदेश में बदलाव की कोई, चलिए तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इस बीच उपचुनाव के तमाम चेहरों का चयन और नतीजों पर भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि किसकी तैयारी कैसी, और मुझे लगता है कि नतीजों के बाद ही यूपी की सियासत में कुछ जबरदस्त बदलाव देखा जा सकता है। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे, जेपी नड्डा से मुलाकात की और उनके लगातार जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं उसके बाद ये पूछना पड़ रहा है कि क्या यूपी में ऑल इज वेल है या कुछ बदलाव के संकेत हैं। बहुत शुक्रिया पवन विस्तार से तमाम चर्चाएं हमसे करने के लिए।